नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग, सेना ने संभाली कमान, रुकावट नहीं आई तो चार दिन में मजदूरों तक पहुंचने की उम्मीद। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का सरकार पर हमला, कहा प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ही दयनीय है। रुड़की के गंगनहर में दिनदहाड़े व्यापारी पर फायरिंग, छत से टकराई गोली, कोई हताहत नहीं। वारदात से इलाके में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। उधम सिंह नगर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जसपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। कार्तिक पूर्णिमा आज, धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। कार्तिक पूर्णिमा का है धार्मिक महत्व। और अब खबरें विस्तार से। उत्तरकाशी के सिलकियारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए 24 नवंबर से बंद पड़ा रेस्क्यू वर्क रविवार को फिर से शुरू हो गया। मजदूरों तक पहुंचने के लिए पहाड़ की चोटी से वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। अब तक 19.2 मीटर खुदाई हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई रुकावट नहीं आई तो हम 100 घंटे यानी कि चार दिन में मजदूरों तक पहुंच जाएंगे। आज रात तक 45 मीटर तक की ड्रिलिंग होने की उम्मीद है। इसके बाद ड्रिलिंग के लिए दूसरी मशीन लगाई जाएगी। वर्टिकल ड्रिलिंग कर 60 मीटर तक एक 6 इंच की फूड पाइप डाली गई है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने एक बार फिर सूबे में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार पर निशाना साधा। कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। दरअसल शनिवार दोपहर यहां मंडी गेस्ट हाउस पहुंचे थे। माहरा का महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। मीडिया से माहरा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के हालातों से नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव कराने के लिए सक्षम है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जिस तत्परता से बीजेपी की सरकार और प्रशासन ने अंकिता मर्डर केस को हैंडल किया, उसके तीन पहलू हैं। एक तो 5 दिन तक लड़की के पेरेंट्स के घूमने के बाद एफआईआर ना होना, उसके बाद एफआईआर होने से पहले डोजर चल जाना, और डोजर चलने के बाद मुख्यमंत्री का ट्वीट करना कि हमने डोजर चला के पनिश कर दिया है। उसके बाद 2 दिन बाद वो ट्विटर हैंडल से वो उनका किया हुआ जो ट्वीट था वो हटाना। लड़की मोबाइल पे मैसेज करती है कि वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विसेज देने के लिए मुझ पर दबाव बनाया जा रहा है, और लड़की मार दी जाती है। मसूरी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मसूरी के कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में संविधान दिवस मनाया। संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर देश के प्रति उनके योगदान को अहम बताया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने संविधान को लोकतांत्रिक राष्ट्र में जनता के मौलिक अधिकारों का रक्षक बताया। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 में स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया था। उन्होंने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को लोगों के बीच ले जाया जाएगा। संविधान हमारे देश के कानून और सभी व्यवस्थाओं की रीढ़ है।
संविधान दिवस जिसको सन 2015 26 नवंबर में ये कहा गया था कि इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये इसलिए कहा गया था क्योंकि जो हमारा जो देश का संविधान है उसके बारे में लोगों को ज्ञान मिले, अनुभव मिले, गोष्ठियाँ हो, सेमिनार हो, जिससे जो वक्ता हैं वो संविधान के बारे में लोगों को बताएं कि हमारे संविधान में क्या क्या है, किस तरह के हमारे मौलिक अधिकार हैं। और जो संविधान है हमारा वो देश में सर्वोच्च है, चाहे हाई सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कोई सांसद हो, नेता हो, प्रधान हो, कोई भी हो, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी संविधान के दायरे में आते हैं और सभी को संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के अंबर तालाब में दिनदहाड़े फायरिंग से हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक तीन युवक स्कूटी पर सवार होकर आए थे और व्यापारी पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली दुकान की छत से टकरा गई। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जिसमें पूरी घटना कैद हो गई। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक की व्यापारी से पहले से ही नोकझोंक और मारपीट भी हो चुकी थी, जिसको लेकर पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। एसपी देहात का कहना है कि मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। भाई साहब, आज मेरे पे फायरिंग करी गई लगभग एक घंटे डेढ़ घंटे पहले मेरे पे फायरिंग करी गई है और मेरे पे पहले भी फायरिंग हुई थी, पहले घर पे हुई थी, आज मेरी शॉप पर करी गई है। मेरे घर पे जो फायरिंग हुई थी उसका भी कारण था, हम जन्माष्टमी की रात को मंदिर जा रहे थे, मैं था, मेरी वाइफ थी, मेरा भतीजा था और कुछ लड़कों द्वारा मेरे भतीजे के साथ बदतमीजी करी गई। 12 साल का मेरा भतीजा है तो जब बच्चे के ऊपर बात आती है तो कोई नहीं रुकता। दुकान पे चली, प्रशासन मेरे को इंसाफ दिलाए, पकड़े उस लड़के को अभी के अभी, दुकान पे मेरे गोली चला के गए। मैं जरा सा पीछे हो गया मेरा तो परिवार जल जाता। तीन लड़के थे, वो काले से कलर की लगभग एक्टिवा वीडियो में आ गया है। एक पूर्व में घटना हुई थी और उसी के क्रम में इन लोगों को अंदेशा है कि एक युवक के द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ इनके ऊपर फायरिंग की गई है। इस संबंध में पीड़ित पक्ष को तहरीर देने के लिए निर्देशित किया गया है कि वो जल्दी से तहरीर दे ताकि अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की जा सके। साथ ही दो टीमों को इसमें साक्ष्य संकलन और सीसीटीवी फुटेज और अन्य सभी दृष्टियों से चीज़ें जानकारी जुटाने के लिए लगाया गया है इसमें। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है जहां मदीना मस्जिद नई बस्ती निवासी अनीस अहमद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि मृतक को उसके दो दोस्त साथ लेकर गए थे और रात 12 बजे उसे वापस घर छोड़ गए थे। वहीं परिजनों का कहना है कि मृतक अनीस के साथ मारपीट की गई है जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था जहां उसकी मौत हो गई। परिजनों ने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस क्षेत्र अधिकारी काशीपुर वंदना वर्मा ने बताया कि मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है। कल 3 बजे लेके थे बुला के, मैं परहेज कर रही थी और वो बाहर खड़े थे, आवाज़ दे रहे थे अनीस। इन्होंने मिस्टर सेट लेकर पेन पहन के और क्या क्या मांगे, गाड़ी की चाबी लेकर और गाड़ी निकाल के ले गई। आप इन्होंने जब ये उनको पूछाना आए ना इन्हें, तो इन्होंने 3-4 बार कही। मैंने पूछा मन की तुम्हें क्या मांगे, किन्ना मारा नो आकिल ना ऐसा कही। आकिल एक लड़का और था उनके साथ, काला सा मोटा सा, नहीं लेकर आए थे अस्पताल में सरकारी। देखिए ऐसा है, जसपुर में एक ये थाने से मेमो प्राप्त हुआ था जिसमें एक व्यक्ति के मृत्यु की सूचना आई थी, तो उसमें फिलहाल अभी परिजनों ने कुछ आरोप लगाया कि रात को व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ गया था और उनका कुछ आरोप है कि संभवतः उसने उसकी हत्या की है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही इसका खुलासा होगा। तो अभी शव को कब्जे पे लेके हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद इसमें चीज़ें क्लियर होंगी। गुंजी की नैसंगिक सुंदरता देखने लोग दूर देश विदेश से आ रहे हैं। पर्यटकों का तांता लगा हुआ है और पर्यटन की दृष्टि से भी सरकार गुंजी को शिव धाम बनाने की बात कह रही है। गुंजी में ओम पर्वत और अधि कैलाश के भी दर्शन होते हैं जिसे देखने के लिए शिव भक्त काफी उत्साहित रहते हैं। इस पर क्षेत्रीय विधायक हरीश धामी ने गुंजी पर शिव धाम बनाने का स्वागत किया है। अगर वहाँ पर शिवधाम बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसका जो है बहुत बड़ा जो है धन्यवाद करेंगे और स्वागत करेंगे। और वास्तव में वो ऑलरेडी शिवधाम है, आदि कैलाश, ओम पर्वत जो है, कैलाश मानसरोवर सब वहीं से होता है।
तो ये तो अगर ये फैसला लिया गया है तो ये स्वागत योग्य है। इसके लिए मैं जो है सरकार का धन्यवाद करता हूँ और उसको एक दिव्य और भव्य रूप दिया जाना चाहिए। केवल वहाँ पर सुविधाओं बनाने से नहीं होगा। जिस तरह से आज रास्ते की हालत है, आप छियालेख देखते हैं या रास्ते में देख रहे हैं कि जगह जगह पर जो है स्लाइडिंग से लोगों की मृत्यु हो जा रही है, तो सबसे पहले सरकार को इसको सही करना चाहिए। उत्तरांचल परिवहन मजदूर संघ की टनकपुर कार्यकारिणी ने वार्षिक बैठक का आयोजन किया। बैठक में टनकपुर क्षेत्र के कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। प्रांतीय संगठन मंत्री बालकृष्ण शर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में विभागीय पद खाली पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार उनको भरने का कोई प्रयास नहीं कर रही। ऐसा है, हमारे उत्तरांचल परिवहन मजदूर संघ टनकपुर क्षेत्र की आज यहाँ पर क्षेत्रीय बैठक आहूत की गई थी, जिसमें प्रांतीय संगठन मंत्री के नाते में उपस्थित था और यहाँ पर कर्मचारियों द्वारा अनेक समस्याओं से अवगत कराया, जिसमें महत्वपूर्ण विषय थे वर्षों से इस विभाग में कार्यरत हमारे संविदा विशेष श्रेणी के चालक परिचालक कार्यशालाओं में कार्यरत कार्मिकों को अभी तक नियमित नहीं किया गया है, उनके बारे में चर्चा की गई। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। खबर जो कभी बताती है सच, तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से, तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से, तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से, तो कभी गम से,
खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। संविधान दिवस के मौके पर आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद आज रुड़की के लंढोरा पहुंचे, जहां पर सर्व समाज के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भीमराव अंबेडकर वो शख्सियत थे जिनको कभी भी नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि उन्हीं के लिखे संविधान पर आज हिंदुस्तान की व्यवस्था टिकी हुई है। संविधान जो है, संविधान दिवस जो है, आम इंसान विकास पार्टी ने यहाँ पे लंढोरा में जो है मनाने का काम किया। हमारे कुछ अनुसूचित जो है जाति के कार्यकर्ता थे, उनकी इच्छा थी कि यहाँ पे जो है हम संविधान जो है दिवस मनाएं। आज 26 नवंबर है और 26 नवंबर को संविधान जो है लगभग पूरा हो चुका था, जिसको लागू किया गया था जो है 26 जनवरी को। तो बाबा भीम अम्बेडकर साहब ने जो है संविधान को जो है लिखा, और वो दलित जाति से थे, धर्म से थे, और हमारे यहाँ पे जितने भी दलित भाई हैं उन सब की जो है इच्छा भी थी। और हम सब लोग जो है मनाते हैं, बाबा भीम अम्बेडकर साहब एक ऐसे महान व्यक्ति थे जो है इस देश के, जिन्होंने जो है संविधान लिखा। नगर निगम देहरादून में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। मामले में नगर निगम द्वारा 3 कंपनियों को फायदा पहुंचाया गया है, जिसका आरोप यह है कंपनियां शहर में होर्डिंग्स लगाने का काम करती हैं। आपको बता दें कि यह आरोप कांग्रेस नेता विनव थापर ने लगाया है। उन्होंने बताया कि कंपनी के मालिक एक बीजेपी के नेता, एक कांग्रेस के नेता, जबकि तीसरी कंपनी दिल्ली की है। वर्षों में नगर निगम में होर्डिंग और यूनिपूल के टेंडर के भ्रष्टाचार का मामला मैंने RTI निकाली है पिछले कुछ समय से, तो उसमें निकल के आया है लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए का बिजनेस इन कंपनियों को जो मिला है, वो एक पॉसिबली एक कार्टेलाइजेशन इसमें हो सकता है। उसकी इन्वेस्टिगेशन की हमने मांग करी है, और नियमों को ताक पे रख के EMD कैसे चेंज करके और हाईकोर्ट के ऑर्डर का मिस इंटरप्रिटेशन करके, जैसे हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर कहा कि आप हमारे यहाँ हमारी परमिशन से आगे काम कर सकते हैं, और इन्होंने ऑर्डर में लिख दिया है कि आप हाईकोर्ट ने मना कर दिया उस काम को करने से, और उसी के बिहार पे इन्होंने कई सैकड़ों करोड़ रुपए का आगे एक्सटेंशन किया है। देहरादून के विकास नगर क्षेत्र में दिनदहाड़े फायरिंग कर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों को दून पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार जमीनी विवाद के चलते हत्या की गई थी। हालांकि देहरादून SSP अजय सिंह ने इस बात को पूरी तरह से गलत बताया। किया गया, जिससे वहाँ पर खेतों से काम करके लौट रहे श्री बघेल सिंह जी है, जो आ रहे थे वहाँ पर, और उनके द्वारा इस तरह की घटना जो होते देखकर उसमें उनको रोकने का प्रयास भी किया गया, और साथ ही साथ इस चीज़ के बारे में वहाँ पर जो झगड़ा हुआ उसके बाद जो है मौके पर उनको गोली मार कर ये अभी भागने लगे, जिस पर एक लड़के को भी उन्होंने गोली मार दी, चूंकि उसने उसको रोकने का अभियुक्तों को पकड़ने का प्रयास किया। भागते हुए वो अपनी गाड़ी छोड़ गए, चूंकि ग्रामीणों द्वारा पथराव कर दिया गया था वहाँ पर, तो अपनी गाड़ी छोड़कर और वो वहाँ से स्कूटी छीनकर भाग गए थे। चूंकि सूचना में सिर्फ हमारे पास एक स्कूटी का नंबर जो छीना गया था, तत्काल सभी जगह चेकिंग का अभियान चलाया गया, तो लगातार निरंतर चेकिंग होने के कारण कल उनको देर से जो है 2 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया, जो मौके पर थे। इसमें इनके नाम पुनीत और सुमन है। हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें लक्सर और हरिद्वार सहित दर्जनों से अधिक पत्रकार मौजूद रहे। विधायक अनुपमा रावत ने बताया कि उनके द्वारा CM को पत्र भेजकर लालढांग में सिडगुल की स्थापना कराए जाने की याद दिलाई गई है। कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि भाजपा द्वारा पूर्व में लालढांग न्याय पंचायत में सिडगुल की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। विधायक अनुपमा रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र के माध्यम से सिडगुल की स्थापना कराने की याद दिलाई है। उन्होंने कहा कि लालढांग न्याय पंचायत में सिडगुल स्थापित होने पर विकास की नई गंगा बहेगी।
देखिए 20/4/2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों की विपक्षी विधायकों की बैठक देहरादून में आउट हुई, जिसमें मैंने ये मुद्दा कि सिटकुल में जो है सिटकुल की स्थापना की जाए न्याय पंचायत लालढांग में, और उनको एक चिट्ठी भी उसमें पत्र लगाया कि आपका ये मुख्यमंत्री घोषणा कर चिट्ठी जो है पत्र इसमें संलग्न है। लेकिन आज 8 महीने हो गए और उन्होंने उसमें कार्रवाई के निर्देश भी दिए कि जिलाधिकारी जो है इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए आगे करें, लेकिन 8 महीने हो गए आज तक कार्रवाई नहीं। युवक को गलत इंजेक्शन लगाने वाला फर्जी चिकित्सक को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 10 अक्टूबर को रुड़की के मोहनपुरा में एक चिकित्सक ने लवीश त्यागी नामक युवक को इंजेक्शन लगाया था। इंजेक्शन लगाने से लवीश की मौत हो गई थी। फर्जी चिकित्सक अपने मामा के सर्टिफिकेट पर केमिस्ट की दुकान चला रहा था। पुलिस की विवेचना में पाया गया कि पिछले 15 सालों से बिना किसी वैध डिग्री के आरोपी केमिस्ट की दुकान चला रहा था। सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। खबर जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा के अशोक फार्म गुरुद्वारा कपास गन्ना तोल सेंटर पर तोल ना होने की वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट समय पर ना मिलने के कारण उनका गन्ना ट्रॉलियों में सूख रहा है। बीते 4 से 5 दिनों में किसानों के कई भरी हुई ट्रॉलियां केंद्र पर सूख रही हैं। साथ ही किसानों के खेतों में भी गन्ना कटा हुआ सूख रहा है। वहीं गन्ना केंद्र के इंचार्ज लखन स्वरूप ने बताया कि मिल में अचानक तकनीकी खराबी होने के कारण 2 दिनों से मिल बंद होने की वजह से तोल रोकी गई। साथ ही आज दुरुस्त होने पर उसको शुरू करने के आदेश भी मिल गए हैं। फिर से तोल सुचारू रूप से शुरू कर दी है। मिल में अचानक तकनीकी खराबी टरबाइन फूक जाने के कारण तोल कार्य जो है 21 तारीख में करा था ना, 21 को तोल करने के बाद टरबाइन फूक गई थी। टरबाइन रात दुरुस्त हुई है और आज मीटिंग वीटिंग होने के बाद हम लोग यहाँ पर तोल करने के लिए आए। खराब हो गई गाड़ियाँ, तो लेबर और गाड़ी चलेगी जब मिल बंद थी 2-3 दिन के लिए। मिल नहीं होगी तो गाड़ी क्या करेगी, तो लेबर भी नहीं और गाड़ियाँ भी चली जाती हैं जब कोई तोल ही नहीं है। तो परेशानी ये हो रही है कि एक तो तोल नहीं हो रहा है, फैक्ट्री चलते ही बंद हो गई। इतने दिनों से फैक्ट्री रिपेयरिंग हो रही थी, अब जो है एन टाइम में फैक्ट्री बंद हो गई है और काश्तकारों का गन्ना जो है सूख रहा है खेतों में। यहाँ खेतों में लाने खेतों में अलग सूख रहा है, यहाँ सेंटर पर ला के अलग सूख रहा है। और ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट को कहने फोन करने पे पता लग रहा है गाड़ी नहीं है, ट्रांसपोर्ट पे एक ही गाड़ी आई हुई है। नगरपालिका द्वारा सामाजिक स्तर पर हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली महिलाओं को पालिका अध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत के द्वारा उनके किए गए कार्यों के लिए प्रमाण पत्र वितरित किए गए और डस्टबिन और कपड़े के थैले देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। पालिका अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि पालिका हमेशा विभिन्न स्तरों में सराहनीय कार्य कर रही है, महिलाओं को उत्साहवर्धन करती रहती है। पालिका द्वारा हमेशा से हर वो सहायता प्रदान की जाती है जिससे उन्हें आगे भी ऐसे ही कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहे। हमने समाज के अंदर जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे पर्यावरण के क्षेत्र में हो, चाहे पुराने स्थानों के संबंध में हो, चाहे समूह के क्षेत्र में हो, चाहे जो भी लोग हैं उनको सम्मानित किया गया है और ताकि उसकी प्रेरणा लेकर अन्य लोग भी इस तरह का कार्य करें। और साथ ही सभी जितने भी हमारे समूह और अन्य लोग आए थे उनको डस्टबिन उनको नगर पालिका द्वारा वितरित की गई और कुछ लोगों को हमने विशिष्ट लोगों को प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराए और विशेष कार्य करने वालों को पुरस्कार भी हम लोगों ने दिए हैं। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड टनल में वर्टिकल ड्रिलिंग, सेना ने संभाली कमान, रुकावट नहीं आई तो 4 दिन में मजदूरों तक पहुंचने की उम्मीद। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा का सरकार पर हमला, कहा प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर बहुत ही विफल रही और पार्टी की स्थिति दयनीय है। रुड़की के गंगनहर में दिन दहाड़े व्यापारी पर फायरिंग, छत से टकराई गोली, कोई हताहत नहीं। वारदात से इलाके में मची हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस। उधम सिंह नगर में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जसपुर कोतवाली क्षेत्र का है मामला।
कार्तिक पूर्णिमा आज धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। कार्तिक पूर्णिमा का है बड़ा धार्मिक। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जेड टीवी के साथ। नमस्कार।